फिल्मों के इतिहास में 80 का दशक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 80 के बाद फिल्म निर्माण से जुड़े लोग सही मायने में बिजनेस क्षेत्र में आने लगे। पहले के जमाने में कलाकारों को फिल्म मेकर्स के मुकाबले ज्यादा तवज्जो मिलता था, पर 80 के दशक के बाद ये गणित उल्टा हो गया। उस जमाने के दर्शक अच्छी तरह से जानते होंगे कि 80 के जमाने में सैकड़ों कलाकार आए और चले गए। फिल्म जगत ने किसी को याद रखा तो किसी को भुला दिया, क्योंकि फिल्म मेकर्स का राज शुरू हो चुका था। ऐसे में कुछ कलाकार ऐसे भी आए जिन्होंने अपने जबरदस्त अभिनय शैली से उस वक्त के स्टार एक्टर्स और बड़े बड़े फिल्मकारों को कड़ी चुनौती दी। आज हम ऐसे ही एक कलाकार मार्क जुबैर की कहानी पेश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। जुबैर अहमद सिद्दीकी उर्फ मार्क जुबैर का जन्म 5 मई 1944 को लखनऊ में हुआ था। उनके माता पिता काफी पढ़े लिखे थे और विश्व के अलग अलग देशों में उनके परिवारजन फैले हुए थे। साल 1949 के साल में पिताजी बतौर रेडियो प्रोड्यूसर बीबीसी लंदन से जुड़ गए। इसीलिए दो साल बाद यानी 1951 को पिताजी ने अपने पूरे परिवार को लंदन बुला लिया। उस वक्त मार्क जुबैर स्कूल में पढ़ रहे थे। लंदन पहुंचने के बाद वे ना सिर्फ वहां के नागरिक बने बल्कि कला के क्षेत्र में अच्छा काम भी करके दिखाया। लंदन में रहते हुए उन्होंने ड्रामा के विषय में डिग्री भी हासिल की। कुछ साल के अंदर ही लंदन में मार्क जुबैर प्रशिक्षित कलाकार के रूप में चमकने लगे। बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि मार्क जुबैर पहले हॉलीवुड के एक्टर थे, फिर वे बॉलीवुड में आए। वो बात अलग है कि बॉलीवुड के कुछ मनोरोगी फिल्मकारों ने मार्क जुबैर का विरोध किया, इसीलिए उन्हें हिंदी सिनेमा से नाता तोड़ने का फैसला किया था। वो किस्सा क्या था, इस पर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। लंदन में मार्क जुबैर के दिन गुजर रहे थे। थिएटर शो और टेलीविजन धारावाहिकों के कारण उनका गुजारा हो रहा था, पर एकाएकी उन्हें अपना नाम बदलना पड़ा। दरअसल 1968 के साल में किसी ने उन्हें सलाह दी कि अगर इंग्लैंड के रहवासी जैसा नाम होगा तो काम मिलने में आसानी होगी, इसीलिए उन्होंने अपना नाम मार्क जुबैर रखा। लंदन में उन्होंने ऐसे धारावाहिकों में काम किया जिसमें इंडियन ओरिजिन वाले कलाकारों की जरूरत होती थी। इतने साल विदेश में गुजारने के बाद उनकी हिंदी भी कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए बॉलीवुड की तरफ उनके कदम नहीं मुड़ते थे। ऐसे में उनके पिताजी ने उन्हें मनाया और भारत भेज दिया। भारत आने पर उन्होंने देखा कि यहाँ का फिल्म जगत और लंदन के फिल्म जगत में जमीन आसमान का फर्क है। उन्हें ये बात समझ आई कि यहाँ की फिल्मी दुनिया विशिष्ट लोगों के इशारों पर चलती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये था कि मार्क जुबैर की शुरुआती हिंदी फिल्मों को रिलीज होने में समय लगने लगा। 1981 के साल में मार्क भारत आए थे और आने के तुरंत बाद उन्होंने फिल्में साइन की, पर वो फिल्में अगले 2-3 साल में रिलीज हुई। 1982 के साल में उनकी पहली हिंदी फिल्म ये नज़दीकियाँ रिलीज हुई थी, जो उस वक्त की कामयाब फिल्म साबित हुई। पर इस दौरान उन्होंने अन्य फिल्मों में भी काम किया जो सेंसर बोर्ड के कारण बहुत देरी से रिलीज हुई। 1984 की कमला फिल्म को भी रिलीज करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। हिंदी सिनेमा की बात की जाए तो मार्क जुबैर के सिर्फ 6 साल अच्छे से गुजरे। 1984 से 1989 तक उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े थे, पर हिंदी के लिए उन्होंने अंग्रेजी फिल्में से दूरियां बनाई नहीं, लगे हाथ वो कुछ हॉलीवुड की फिल्में भी करते थे। हालांकि उनका किरदार उनमें ज्यादा बड़ा नहीं होता था, पर इतने में भी वो खुश थे। हिंदी सिनेमा के दर्शकों ने उन्हें बहुत सारा प्यार दिया। उनके हेयर स्टाइल की भी खूब तारीफ हुई। फिल्म जगत की अच्छी जानकारी रखने वाली मेरी माताजी का भी कहना है कि उस जमाने में उनके जैसे बाल किसी के नहीं थे। मिलेंगे कभी इंतहा, राम तेरा देश, कमला, कानून मेरी मुट्ठी में, टेलीफोन, यार कसम, हवेली, औरत पैर की जूती नहीं, कत्ल, महेश भट्ट की आशियाना, आज, रुक्षत, एक नया रिश्ता, दूरी। इन फिल्मों में मार्क जुबैर ने बड़े छोटे किरदार निभाए। 1986 की कत्ल उनकी बड़ी हिट फिल्म थी। मार्क जुबैर की फिल्मों को सेंसर बोर्ड रोक देते थे, तब खाली समय में वो मॉडलिंग का काम भी किया करते थे।
अपनी खूबसूरत पर्सनालिटी के कारण वे वहां भी कामयाब हुए। 90 के दशक के बाद उनका यहाँ मन नहीं लगने लगा, इसीलिए वो फिर से लंदन लौटने की तैयारी करने लगे। पर वे कभी हिंदी सिनेमा से दूर नहीं गए। अपने जीवन में उन्होंने सामाजिक जीवन और दो देशों के फिल्म जगत को अच्छी तरह से संभाला। कहा जाता है कि उनकी जर्मन बीवी एंगा मुरेल लंदन में ही रहती थी, पर बॉलीवुड में मार्क जुबैर का नाम बहुत सारी अभिनेत्रियों से जुड़ा, जैसे कि अनुराधा पटेल, दीप्ति नवल। अपने एक इंटरव्यू में मार्क जुबैर ने भारतीय फिल्म जगत और इंग्लिश फिल्म जगत के बीच का अंतर साझा किया था। वो बताते हैं कि लंदन में जब भी वो काम किया करते थे तो हर एक मिनट का हिसाब रखा जाता था, पर यहाँ लोग सेट पर हमेशा देरी से आते हैं। 90 का दशक खत्म होने से पहले मार्क जुबैर लंदन लौट चुके थे। वहां जाकर उन्होंने धारावाहिकों में काम करना शुरू रखा, पर 28 मई 2003 में अचानक आए हार्ट अटैक में उनका देहांत हो गया। उस वक्त उनकी उम्र 59 साल की थी। ये बात हिंदी सिनेमा के लिए जरूरी नहीं बनी, क्योंकि यहाँ के फिल्मकारों के लिए मार्क जुबैर 90 के दशक में ही मर चुके थे। भारतीय सिनेमा में जितनी खूबसूरत कहानियां हैं, उतनी ही मार्क जुबैर जैसी कहानियां भी छुपी हुई हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी सिनेमा में सुपरस्टार आएंगे और जाएंगे, पर चरित्र अभिनेताओं की जरूरत हमेशा रहेगी। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।